हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग, और देखेंगे गाइज हमारे डीएम क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, और फिर ये भी देखेंगे कि हमारे क्या एनर्जीज है डीएम से कुछ मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे गाइज। तो देखते हैं आज की रीडिंग कैसे जाती है। 11-11 बहुत ही जल्द आने वाला है गाइज, तो याद रखिएगा कि 11-11 पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर ऐसे ट्रिगर्स आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करने पड़ रहे हैं, मैंने तो बहुतों को देखा है ऑलरेडी अभी से ट्रिगर्स चालू हो गए हैं, तो अगर आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं तो आप ये कोई ऐसा एक्शन मत लीजिएगा जिससे बाद में आपको गिल्ट हो। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि आप एक लेटर लिख करके उस पर्सन को जिसके खिलाफ आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं उसको एक लेटर लिख दीजिए, फाड़ के जला कर फेंक दीजिए, या तो फाड़ कर फ्लश कर दीजिए, कुछ भी कीजिए गाइज, या तो पंचिंग बैग की तरह अपने तकिए को इस्तेमाल करके अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाले, क्योंकि ऐसा मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि 11-11 में ट्रिगर्स हो सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। उल्टा 11-11 एक सीजन मतलब दिवाली होगी तब, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे फील हो, और भी कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकता है, फैमिली वाले ट्रिगर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अपना मूड खराब मत कीजिएगा गाइज उस चक्कर में, थोड़ा थोड़ा अपने आप को लेट आउट करने की कोशिश कीजिएगा अपने तरीके से। तो चलते हैं और देखते हैं कि डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। बहुत ज्यादा कार्ड निकल कर आ रहे थे तो मैंने नहीं लिए। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल रहे हैं गाइज डीएम की बात करें तो। डीएम जो है कहीं मैं रिवर्सल सब लेती ही नहीं हूँ। द चैरियट आ रहा है डीएम के लिए, सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये चैरियट देखिए आप कि डीएम एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं कि एक्शन ले या ना ले। और अगर उन्होंने कोई एक्शन ले भी लिया आपकी तरफ तो क्या आप रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो अपनी लाइफ से, और आपकी लाइफ में जो चॉइसेस आए हैं या उन्होंने पहले कैसे बिहेव किया है तो ये सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, तो अपने सारे फीलिंग्स को दबा करके अपने आप को लॉक करके एक जगह पे बैठे हुए हैं। प्लस उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, फीलिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, वो भी चीज़ है जो वो आपसे डिस्टेंस, अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन में थे तो आप लोग को ऐसा लग सकता है कि डिस्टेंस क्यों हो रहा है, अचानक से क्या हो गया, मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं, किया भी नहीं, तो ये क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं। ये टेम्प्रेरी है गाइस, 11-11 तक होगा ये, या तो मैक्स जनवरी तक आपकी पर्सन थोड़ा सा बेटर फील करके आपके पास वापस आ जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फेस्टिव सीजन चालू होने वाला है गाइस, थोड़ा बहुत उनको जो चीज़ें आपको बतानी है वो आपको शायद हर्ट कर सकती है, इसलिए वो आपसे दूर हो रहे हो, या कहीं ना कहीं उनको कुछ कुछ चीज़ों में जस्टिस करना ज़रूरी है, उन चीज़ों को अपने हिसाब से सही करना ज़रूरी है, और उनकी इंट्यूशंस उनको कुछ बोल रही है करने के लिए, या उनके इंट्यूशंस में कुछ गड़बड़ आ रही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम या उनका कोई बड़ा फियर हो सकता है जिसको उनको डील करना होगा। और आप डीएफ एनर्जी में हो, वो डीएम एनर्जी में है, तो अगर वो डीएम एनर्जी में है तो बहुत ज़्यादा उनको लोग परेशान करेंगे, कार्मिक्स परेशान करेंगे, मैन्युपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ सकती है और वो चीज़ें उनका अटेंशन खींच सकते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है ये मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है, और 12-12 के बाद ये सारा इल्यूजन भी हट जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और एक टेस्ट ऑफ टाइम भी है आपके लिए कि आप इतने सालों में क्या सीखे, और 11-11 का पीरियड तो हमको पता ही है कि 11-11 के बाद बहुतों का यूनियन हो जाता है, तो आप लोग को थोड़ा सा पीसफुल रहना होगा। और देखते हैं गाइस कि क्या निकल के आता है आपके डीएम के चक्रास कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या फियर्स उनके हील हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एडिक्शंस, नीडीनेस बहुत ज़्यादा आपके डीएम के चक्रास हिले हुए हैं, उनके सोलर प्लेक्सस को हील करने की ज़रूरत है, उनके नीचे के तीनों चक्रास पे काम चल रहा है,
और उनमें से एक ये भी है कि वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और अभी जो है उनको लेजीनेस सिखाया जा रहा है कि जब भी ना हो तुमसे तो बैठ के आराम करो और छोड़ दो, हर एक चीज़ को एडिक्शन और ऑब्सेशन की तरह नहीं लेना होता है। तो सेल्फ कंट्रोल सिखाया जा रहा है उनको, बहुत ज़्यादा बोलते चले जाने की और ये सब, उनको अपने ईगो पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनके अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो बहुत कुछ जो है गाइस एरोगेंस बोलने में उनकी निकल कर सामने आ जाती है कि रूड साउंड करते हैं वो, तो वो सब उनका जो है पॉलिश किया जा रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि देखते हैं आपके डीएम के आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो कार्ड्स लेने चाहिए हमको। तो देखते हैं गाइज आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम कमिंग टू यू, ट्रस्ट मी आई विल, साफ साफ कह रहे हैं कि आपके डीएम आपके पास वापस आना चाहते हैं, ज़रूर आएंगे। 555 गाइज मुझे दिखाई दे रहा है, और जब 555 मुझे दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। आई राइट एंड री राइट मैसेजेस टू यू, तो आपके डीएम जो है आपको मैसेज करते हैं डिलीट कर देते हैं, मैसेज करते हैं डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बोलूँ नहीं ये बोलना सही नहीं होगा, वो बोलूँ नहीं वो बोलना सही नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मैंने बहुत बार किया भी है कि बहुतों को मैसेज लिख करके हटा दिया है डीएम एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, कभी तो मैंने गुस्से में मैसेज किया और डिलीट कर दिया है क्योंकि मुझे लगा सामने वाला हर्ट हो जाएगा पढ़ के। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि इमोशनल मैसेज भेजूं, फिर मुझे लगा कि नहीं अपना वल्नरेबल साइड मैं क्यों इसको पहले दिखाऊं, तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है। आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर डिफरेंट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू बिलीव एवरीथिंग यू से, आपके और आपके डीएम की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वही एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज बन जाती है आपके कनेक्शन में। पर आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है गाइज, जो हो रहा है वो हो रहा है, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और भगवान को रेस्ट चीज़ों को संभालने दीजिए, आपका कनेक्शन बहुत बहुत बेटर हो जाएगा फ्यूचर में। आई फील द प्रेशर टू प्लीज़ यू, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डीएम को एक डर भी है कि भाई अगर मैंने इसको अच्छे से नहीं बात की इससे या कुछ नहीं किया अभी इसके लिए एक्शन में, तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है आपके डीएम के इसमें। और चलिए गाइज आपके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है, क्या करंट एनर्जी है आपकी। तो मुझे यहाँ पे सारे चक्रास के कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं और इनडिसिशन, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि हम लोग रुके कि जाए, यहाँ पे तो हमको कोई खुशी भी नहीं मिल रही है और यहाँ पे तो हम लोग वेट कर कर के थक गए हैं। तीन कार्ड्स ऊपर से हिल रहे थे तो मैंने उनको ले लिए। गॉडेस ऑफ द मून, तो ये सब जो भी आप फील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन है, तो इस इल्यूजन में ज़्यादा इंडल्ज ना करें, आपके लिए काम चल रहा है, एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सस में, आपके हार्ट चक्रा में और थर्ड आई में काफ़ी सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। इसको क्लियर करते हैं फर्दर चक्रा ओरेकल से और देखते हैं कि किस चक्रास पे आपके क्या काम चल रहा है। ठीक है गाइस, तो शाइनेस, अगर आप लोग अपनी फीलिंग्स बोलने में, अपने लिए कुछ मांगने में शर्म फील करते हो तो वो चीज़ को हटाया जा रहा है। फियर्स एंड एनजाइटी की, अगर आपको लगता है सारा टाइम रीअश्योरेंस की ज़रूरत है कि कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, तो वो चीज़ की भी हीलिंग आप लोग के लिए होने वाली है। डीएस जो है मुझे दिखाई दे रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो भी अभी आपको दिखाया जा रहा है वो एक इल्यूजन है, एक टेस्ट है, और जैसे ही 11-11 गुजर जाएगा आपको इसका पता चल भी जाएगा कि लोग आपको कुछ भी चीज़ें बोल के जा रहे हैं, जैसे कि ये नहीं आने वाला, छोड़ दो, भूल जाओ, तो उन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखते हैं गाइस कि जर्नी में क्या निकल कर आ रहा है आप लोगों के। मैं सोच रही थी कि जल्द ही एक 11-11 की रीडिंग करूं, तो 11-11 की खास रीडिंग करना चाहती हूँ मैं, तो वो भी करेंगे हम। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जर्नी में आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ये चीज़ जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड लव के लिए, रीडिंग के लिए निकल के आए, इतना सुंदर कार्ड है ये, इससे सुंदर कोई कार्ड होता ही नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए। तो ये आ रहा है कि आपके टीएम आपके पास आ जाएंगे, अपना लव
की अल्टीमेट हैप्पीनेस को चूज करेंगे और वो आप है डीएफ और वो आपके पास आ जाएंगे। फिलहाल तो वो वंडर ही कर रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये कोई एक्शन तो ले ही नहीं रही है और हर बार मुझे ये सिर्फ जाते हुए ही दिख रही है डीएफ। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है डीएम को, इसलिए वो श्योर नहीं है। बट मुझे एक चीज़ ये क्लियरली समझ आ रही है कि आप लोग को आके गले लगाना चाहते हैं वो, और ये बहुत ही जल्दी होगा। डोंट वरी, डीएम हैप्पीनेस को चूज करें, डीएम आपके ऑफर को चूज करेंगे, डीएम लीप ऑफ फेथ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।